क्यों जूड बेलिंगम 12 महीने के अंदर बेस्ट प्लेयर से या फिर द मोस्ट लव्ड प्लेयर से मोस्ट हेटेड प्लेयर इन द वर्ल्ड बन गया सिर्फ 12 महीने में। अब देखो यहाँ पर हमारी कहानी को समझने के लिए और इसके पीछे यहाँ पर दो और तीन रीजंस हैं जिसकी वजह से आज के टाइम पे अगर आप सोशल मीडिया की बात करोगे या फिर हेडलाइंस की बात करोगे तो जूड बेलिंगम को हेट करना एक नॉर्म बन चुका है। कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप सोशल मीडिया पर जाओगे तो तमाम आपको ऐसे स्टेटमेंट्स मिलेंगे जहाँ पर जूड बेलिंगम और स्कॉट मैकटोमिने की पीआर को कंपेयर किया जा रहा है कि अगर स्कॉट मैकटोमिने पे पीआर बेलिंगम टाइप होती तो कहीं ना कहीं आज मैकटोमिने कहीं और होता। कहीं एक तरफ लोग कहते हैं कि जूड बेलिंगम को अगर कोई भी अवार्ड मिलेगा, अगर कोई भी रिकग्निशन मिल रहा है तो वो सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि रियल मैड्रिड की जर्सी उसने पहन रखी है या फिर उसके ऊपर फ्योरेंटिनो पेरेस का हाथ है। काफी सारे लोग यहां पर ये कहते हैं कि जूड बेलिंगम अपनी टीम की वजह से ऊपर उठता है और कहीं ना कहीं काफी सारे लोग ये भी कहते हैं कि जूड बेलिंगम की वजह से वो टीम यहाँ पर डूबती है। लेकिन इस कहानी को समझने से पहले या फिर इस दो या तीन फैक्टर पे आने से पहले पहले ये समझ लेते हैं कि 12 महीने पहले एक्चुअली में कैसे जूड बेलिंगम द मोस्ट लव्ड प्लेयर बन गया था एक तरीके से पूरी दुनिया में। अपनी कहानी यहाँ पर उन्होंने बर्मिंगम सिटी में स्टार्ट करी, सिर्फ एक सीजन खेला वो और उसके बाद यहाँ पर 17-18 उम्र में वो यहाँ पर डॉर्टमुंड चला गया। एक सीजन खेला और सोचो एक प्लेयर ने यहाँ पर बर्मिंगम के लिए उस एक ही सीजन में या फिर एक जेस्चर की बात करें, ग्रैटिट्यूड की बात करें या फिर हम ट्रिब्यूट की बात करें, बर्मिंगम सिटी ने वो जर्सी नंबर 22 रिटायर कर दिया। अगर हम यहाँ पर डील की बात करें तो डॉर्टमुंड ने फिक्स पे यहाँ पर 25 मिलियन पे करे थे बर्मिंगम को और उसके बाद यहाँ पर बोनस में लगभग और भी मिलियंस यहाँ पर पैसा था। तो डेफिनेटली यहाँ पर बर्मिंगम सिटी जैसे क्लब के लिए 25-30 मिलियन बहुत बड़ी बात होती है। अब अगर यहाँ पर डॉर्टमुंड की बात करते हैं, डॉर्टमुंड में आते ही यहाँ पर जिस तरीके से उसने कल्चर को समझा, जिस तरीके से उसका एटीट्यूड था, जिस तरीके से उसमें एक फॉरवर्ड ड्राइव था कि भाई टीम को लेके जाना है। सोचो अपने लास्ट सीजन में रियल मैड्रिड शिफ्ट होने से पहले बुंदेसलीगा जीती भी नहीं डॉर्टमुंड, लेकिन बुंदेसलीगा प्लेयर ऑफ द सीजन जूड बेलिंगम को मिला। बहुत फाइनल्स खेले लेकिन यहाँ पर किसी में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया जूड बेलिंगम। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि दो तीन सीजन जो भी उसने डॉर्टमुंड में खेले वो स्टैट्स झूठ नहीं बोलते, वो नंबर झूठ नहीं बोलते और जिस तरीके से जूड बेलिंगम ने परफॉर्मेंस आफ्टर परफॉर्मेंस वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा वो कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ थी। अब यहाँ पर आता है थोड़ा सा ट्विस्ट। देखो बर्मिंगम से डॉर्टमुंड एक स्विच मारना बड़ी बात है, ऑफ कोर्स डॉर्टमुंड एक बड़ा है, डॉर्टमुंड में यहाँ पर उसने यंग प्लेयर का वो ट्रॉफी जीती थी, लेकिन डॉर्टमुंड से रियल मैड्रिड में स्विच मारना डेट्स अ होल डिफरेंट गेम। अब यहाँ पर आता है थोड़ा सा परसेप्शन का खेल। अभी देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक भी जो बेलिंगम का लव्ड मीटर था ना वो काफ़ी ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ से वो चीज़ एक्सपोनेंशियल गई, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर जो हेट मीटर था वो भी एक्सपोनेंशियल जाने लगा। सबसे पहले प्यार वाली बात कर लेते हैं। देखो रियल मैड्रिड को यहां पर उसने चूज किया और जिस तरीके से यहां पर उसने सबसे पहले ही आते अपनी परफॉर्मेंस डाली वो कहीं ना कहीं लाजवाब थी और आपको समझना पड़ेगा कि रियल मैड्रिड का फैन बेस की जो मेंटालिटी थी वो काफी कंफ्यूज थी, क्योंकि पहली बात तो यह है कि 100 मिलियन एक मिडफील्डर के लिए जो कि ऑफकोर्स लाइक 19-20 साल का यार तो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। दूसरी चीज़ करीम बेंजेमा चला गया है, तीसरी चीज़ किलन एम्बापे नहीं आया था जो कि सबसे प्रेडिक्टेबल था, और चौथी चीज़ थी कि ऑफकोर्स यहाँ पर आप जूड बेलिंगम क्या दूसरा ईडन हजार्ड तो नहीं बनेगा, क्या यहाँ पर जूड बेलिंगम पे लिया हुआ रिस्क यहाँ पर फेल तो नहीं होगा। लेकिन पहले दो महीने के अंदर जिस तरीके से परफॉर्मेंस आई, अगस्त में और सितंबर में लालीगा प्लेयर ऑफ द मंथ कौन जीता? जूड बेलिंगम। एल क्लासिको में जब बार्सिलोना ने पहले 15 मिनट में गोल मार के लास्ट में कौन लेके गया बाजी? जूड बेलिंगम। इसकी वजह से जो लव मीटर था जूड बेलिंगम का एज ए क्लच प्लेयर, वो प्लेयर जो कि एम्बापे और बेंजेमा दोनों के एब्सेंस में मिडफील्डर होते हुए उनको बचा रहा है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था। अब बात करते हैं यहां पर दूसरे मुद्दे की कि हेट क्यों बढ़ने लगी। देखो ऑब्वियसली ये तो बहुत कॉमन सेंस है कि जब कोई प्लेयर बहुत ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर क्रिटिक्स आते ही हैं, लेकिन यहाँ पर दो मेजर रीजन थे। सबसे पहला ये था कि जूड बेलिंगम ने लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी दोनों को रिजेक्ट करके रियल मैड्रिड को पिक किया, और ये तो तुमको भी पता है कि चाहे रियल मैड्रिड की बात करें या फिर बार्सिलोना की बात करें, प्रीमियर लीग क्लब्स या फिर बड़े बाकी क्लब्स जो होते हैं कहीं ना कहीं एक हेट सेंटिमेंट आता ही है और एक एक्सपेक्टेशन होती है कि बार्सिलोना में फ्लॉप हो जाए या फिर रियल मैड्रिड में फ्लॉप हो जाए, और ये पिछले कुछ टाइम से
एक नॉर्म रहा भी है, चाहे हम ग्रीजमन की बात करें या फिर हम फिलिपे कुटिनियो की बात करें, वहीं अगर रियल मैड्रिड में चाहे हम लुका योविक की बात करें या फिर हम ईडन हजार्ड की बात करें, लेकिन यही फैक्टर अब नहीं चल रहा विनीशियस पे, ना ही चल रहा रोड्रिगो पे और ना ही चल रहा बेलिंगम पे। दूसरा रीजन देखो, बेलिंगम के रिगार्डिंग बात ये थी कि बेलिंगम था तो एक मिडफील्डर ही, लेकिन गोल कर रहा था वो यहाँ पर गोल स्कोरर की तरह, जैसे स्ट्राइकर हो। ऐसे में यहाँ पर उसके क्रेडिट्स को एक बहुत बढ़िया मौका मिल रहा था कि जब जब बेलिंगम यहाँ पर स्कोर नहीं करेगा तब तब हेट दो, तब तब कहीं ना कहीं उसको क्रिटिसाइज करो। प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि जो तारीफ कर रहे थे वो भी इस चीज़ को नहीं समझ रहे थे कि जिसकी वो तारीफ कर रहे हैं उसमें गोल से बढ़कर तारीफ करो भाई। जूड बेलिंगम अगर क्लच कर रहा है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, ही डिजर्व्स ऑल द अप्रिसिएशन। लेकिन कार्लो एंसेलोटी ने तमाम अपने इंटरव्यूज में भी यही कहा कि जूड बेलिंगम आखिरकार है तो मिडफील्डर ही, कब तक खेलेगा? अगर एक सीजन के बाद 23 गोल मारे हैं, 13 असिस्ट करे हैं, चार से पांच उसने क्लच निकाले 90th मिनट्स में, और यहाँ पर लालीगा भी जीत गया, चैंपियन लीग भी जीत गया, बैलेंडोर की रेस में भी आ गया, सुपर कप भी जीत गया, तो क्या बच्चे की जान लोगे क्या? अब इसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जहाँ तारीफ करने वाले नहीं रुक रहे थे, ना वो तारीफ कर रहे हैं मिडफील्डर समझ के, बल्कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही बना रखा है। वही अगर हेटर्स की बात करें तो वो तो वेट ही कर रहे थे कि जूड बेलिंगम जिस गेम में गोल नहीं मारेगा वहां पे लेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जूड बेलिंगम ने गोल से हटके कितना अच्छा गेम को इन्फ्लुएंस करा उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन सारी ही बातों में रियल मैड्रिड में जिस तरीके से वो गोल पे गोल अपनी परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस दे रहा था, एक फॉर्म तो डिप हुआ और ये बात माननी पड़ेगी। चैंपियंस लीग के लेटर नॉकआउट मैचेस की बात करें या फिर लास्ट के दो महीने की बात करें, जूड बेलिंगम का जादू थोड़ा सा फीका तो होता हुआ दिखा। अब देखो इसके पीछे यहाँ पर टैक्टिकल रीजन था, लेकिन ऑफकोर्स उसका यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म बनता भी है। अब यहाँ पर थोड़ा क्लैश हो जाता है। देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो क्रिटिक या फिर जो दूसरा सेक्शन वेट कर रहा था कि जूड बेलिंगम का डाउनफॉल कब आएगा, उनको एक बहाना मिल गया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर जूड बेलिंगम के जो सपोर्टर्स थे वो इस बात को मानने को भी राजी नहीं थे कि जूड बेलिंगम का एक गेम खराब जा सकता है। भाई ये नॉर्मल है, अगर आप जूड बेलिंगम को प्यार करते हो तो मान के चलो कि जूड बेलिंगम की परफॉर्मेंस खराब आई है। रोनाल्डो भी इंसान ही है, मेसी भी इंसान ही है, उनकी भी खराब परफॉर्मेंस आई है। लेकिन इस चीज़ से और ज़्यादा तूल और एक टर्म मिल गया यहाँ से कि जूड बेलिंगम का पीआर सबसे स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली में जूड बेलिंगम का पीआर वाला जो टर्म है ना, ये इसी टाइम जोन से निकल के आया है। लेकिन जूड बेलिंगम के पास पीआर है और उसकी पीआर बचा लेती है, ये पीक करती है यूरोज में। अब देखो इंग्लैंड में जूड बेलिंगम वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार के तौर पे आ रहा था, या फिर आप कह सकते हो कि इंग्लैंड टीम का फेस वैल्यू कौन था, जूड बेलिंगम का था। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड ने जिस तरीके से डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दी, और इसमें जूड बेलिंगम का भी अच्छा खासा रोल है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि लोग हेट करने लगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि जूड बेलिंगम की देखो वही अगेन दो सेक्शन बट गए। जूड बेलिंगम को जो प्यार करते हैं वो अगेन इस चीज़ से आगे नहीं देख पा रहे कि जूड बेलिंगम की परफॉर्मेंस खराब जा सकती है, तो वो उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो बाकियों को स्केपगोट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे थे वो ये समझते हैं कि जूड बेलिंगम की परफॉर्मेंस की वजह से ही पूरे इंग्लैंड की टीम नीचे बैठी, लेकिन दूसरे तौर पर कि जूड बेलिंगम का पीआर उसको बचा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक इंसिडेंट, जूड बेलिंगम ने जो स्लोवेकिया के अगेंस्ट यहाँ पर जो जेस्चर किया था वो डेफिनेटली क्रिटिसिज्म के तौर पे बनता था, लेकिन ये जेस्चर उसने पहली बार नहीं किया था। यही जेस्चर शायद से उसने अप्रैल में बार्सिलोना के अगेंस्ट भी किया था। ये चीज़ क्रिटिसाइज होनी चाहिए और इस चीज़ के लिए डेफिनेटली एक ऑफकोर्स एक सूटेबल एक्शन लेना भी चाहिए। हालांकि यहाँ पर जब जूड बेलिंगम को एक गेम के लिए बैन है तो वो और भी ज़्यादा हेट के लिए मतलब एक अपॉर्चुनिटी बन गई, क्योंकि फैक्ट ये है कि जो रूल था, जो पनिशमेंट थी, वो ये था कि वो कोई एक गेम नहीं खेलेगा, लेकिन वो गेम उसकी पसंद का होगा। मतलब जूड बेलिंगम किस गेम में नहीं खेलेगा एज अ पनिशमेंट, ये खुद बेलिंगम कैसे सेलेक्ट कर सकता है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट ये आ जाता है कि लोगों ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि जब जूड बेलिंगम को पनिशमेंट मिलनी थी, ये चीज़ तो बाकी प्लेयर्स को भी हुआ है यूरोज में जिन्होंने थोड़ा सा अभद्र व्यवहार किया है, लेकिन जूड बेलिंगम को ऐसी लग्जरी क्यों दी गई है जब पता है कि यूरोज का एक बहुत पिवोटल मैच आ रहा है? तो कहीं ना कहीं जूड बेलिंगम के साथ ये पक्षपात, ये फेवरिज्म जूड बेलिंगम के साथ क्यों? अब इसमें ही एक फाइनल जो फैक्टर है, आई थिंक जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है,
वो ये है कि बीइंग अ रियल मैड्रिड प्लेयर, ये तो सबको पता है कि आप क्रिटिसिज्म के तौर पे बनते हो। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, क्या फैक्टर है क्या नहीं है, क्यों रियल मैड्रिड में आके प्लेयर्स हेट होते हैं, एम्बापे जब मोनाको में था, जब पीएसजी में था तो ऑफकोर्स गुणगान गाए जाते थे, जब वो यहाँ पर रियल मैड्रिड में आ गया तो सब उसके डाउनफॉल का वेट कर रहे हैं। सेम गोज फॉर ईडन हजार्ड, सेम गोज फॉर यहाँ पर जूड बेलिंगम या फिर विनीशियस की बात करें, ये यहाँ पर किसी और भी, लाइक देखो रियल मैड्रिड के लेवल पे बार्सिलोना को ही मैं मानता हूँ और मैं किसी और क्लब को नहीं मानता। लेकिन यहां पर अगर हम प्रीमियर लीग की बात करें तो ये चीज आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिगार्डिंग भी कह सकते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी जब कोई प्लेयर आता है तो डेफिनेटली यहां पर ऑफ कोर्स एक वो परसेप्शन बना रखा है कि इसका डाउनफॉल होना तो तय बात है। लेकिन ये किसी और एपिसोड के लिए, आप सबसे पहले बेलिंगम की बात करते हैं। बेलिंगम को हेट करने का सबसे बड़ा कारण और इस समय सबसे बड़ा कॉन्वर्जेशन जो चल रहा है वो सिर्फ एक चीज के रिगार्डिंग लगता है मेरे को, और वो है बैलेंडोर। लोग ये मानते हैं कि जूड बेलिंगम का बैलेंडोर जो परसेप्शन है, जो पूरा एजेंडा है, वो पूरी तरीके से फोर्स है और इससे चूतिया बात कुछ नहीं हो सकती। देखो, जूड बेलिंगम को ऊपर उठाने के लिए मेरे को रॉड्री को गिराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी तमाम वीडियोस में ये चीज़ कहा है कि रॉड्री अगर जीतता है तो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग लगेगा, लेकिन एट द सेम टाइम अगर जूड बेलिंगम जीतता है तो वो भी पूरी तरीके से डिजर्विंग है, क्योंकि दोनों ही प्लेयर्स को यहाँ पर मापने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। एट द एंड ऑफ द डे ये तुम पे और हम पे डिपेंडेंट नहीं है, ये बाकी जर्नलिस्ट पे और बाकी प्लेयर्स पे डिपेंड है कि वो किसको यहाँ पर वोट करने वाले हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक प्लेयर जिसने डेब्यू सीजन में इस उम्र में यहाँ पर कितने क्लच गोल मारे, लाइक लालिगा का टॉप स्कोरर वो रहा है, रियल मैड्रिड का टॉप स्कोरर वो रहा है सॉरी, और यहाँ पर उसने 13 असिस्ट करे हैं, लालिगा जीता है अपने पहले सीजन में, चैंपियन लीग जीता है, बैलेंडोर के कॉन्वर्जेशन में है, यूरोज के फाइनल में गया है, यूरोज में ही इंग्लैंड को लास्ट मिनट पे बचाया है, वो बंदा अगर बैलेंडोर की कॉन्वर्जेशन में है तो बुराई इस चीज की नहीं होनी चाहिए कि इतने से करने पे वो बैलेंडोर के कॉन्वर्जेशन में क्यों आए, बुराई इस चीज की होनी चाहिए कि हम लोग मेसी और रोनाल्डो के एरा से शायद से अभी तक निकल नहीं पाए, क्योंकि वो आदत अभी भी लग रखी है ना कि सबसे ऊपर देखना उसको, ये या तो मेसी ने 70 गोल मारे होंगे या रोनाल्डो ने 60 गोल मारे होंगे।